हेलो एवरीवन, बच्चों हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 देख रहे हैं और लास्ट लेक्चर्स में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझा है। बच्चों आई होप यू हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और कुछ मेजर टर्म्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं उन्हें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 आपको खोलना है। यू हैव टू सिट विद अ पेन पेंसिल हाइलाइटर। मैं जहां जहां बोलूंगी आपको वहां पे हाईलाइट करना है, ठीक है? सो लेट अस रीड, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो देखा था बच्चों। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इसका ठीक ऑपोजिट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ एग्रीगेट होता है, स्टडी ऑफ टोटल होता है, ठीक है? लेट अस रीड, मैक्रो मींस लार्ज और एग्रीगेट और टोटल। मैक्रो इकोनॉमिक्स देयरफॉर इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग्स, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा। तो अगर हम देखेंगे बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हर जगह कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे द वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग इज टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट। तो ये जो वर्ड्स है टोटल, नेशनल, एग्रीगेट, ये वर्ड्स हम यूज करेंगे जब हम मैक्रो स्टडी कर रहे हैं। ओके, मैक्रो मतलब एज अ होल। ओके, केनेथ बोल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विद एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। नॉट विद इंडिविजुअल इनकम बट विद नेशनल इनकम। Not with individual prices, but with the general price level. Not with individual output, but national output. मतलब यहाँ पे contrast दिखाया हुआ है इस definition में that individual price, individual income, individual output से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें national income से लेना देना है। General price level क्या है इसका जो study करता है उसे हम बोलते हैं macro economics. Okay? तो दो major categories है economics के, micro एंड मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मेजर टर्म्स है जो आज हम देखने वाले हैं बच्चों। द फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा बच्चों। अभी नेशनल इनकम एक्चुअली क्या होता है? नेशन का इनकम मतलब क्या? लेट अस सी, दिस रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। इट इज रिफर्ड टू एज टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। In the economic sense, national income is aggregate monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year. Now, let us assume when you are a student, आपका performance कैसे measure होता है? जो भी आपको marks मिल रहे हैं, right? उससे आपका performance measure होता है। तो एक country का performance कैसे measure होगा? उस कंट्री के नेशनल इनकम से, कि बाबा उस कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब उसका नेशनल इनकम कितना है। अब नेशनल इनकम कैसे मेजर करेंगे? जो भी उस कंट्री ने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है। देखो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज, लेकिन उनकी फाइनल वैल्यू, बिकॉज बहुत सारे स्टेजेस से गुजर के वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनते, ठीक है? तो जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उनकी मॉनिटरी वैल्यू, मतलब जो पैसों में उनका अगर हम मॉनिटरी वैल्यू करेंगे तो वो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे दैट इज द नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री। जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, वो जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उनकी पैसों में जब हम वैल्यू करते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, दैट इज द नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री। गेटिंग इट? लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। अ नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication. मतलब कोई double counting नहीं होना चाहिए, ये बहुत important है, because कोई भी goods और services, ये पहले raw material होते हैं, फिर semi finished goods होते हैं, फिर वो finished goods बनते हैं। तो जब हमें national income के लिए count करना है बच्चों, तो हम सिर्फ finished goods को count करेंगे, ऐसे यहाँ पे बोला गया है, so that there has to be no duplication.
राइट। तो फर्स्ट टर्म हमने देखा नेशनल इनकम, ओके। सेकंड जो हम यहाँ पे देखेंगे उसे हम बोलेंगे सेविंग्स। सेविंग्स का क्या मतलब है, लेट अस रीड। इट इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम व्हिच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई फ्यूचर नीड्स बाय फोरगोइंग करंट कंजम्पशन। इन अदर वर्ड्स, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट स्पेंट करंटली ऑन कंजम्पशन, राइट। बहुत बहुत सिंपल है। हम हमारे हाउस होल्ड में भी ये देखते हैं बच्चों। देखो, ये जो हमारा इनकम होता है इसके मेजर दो हिस्से होते हैं। पहला होता है जो हम यूज कर लेते हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं कंजम्पशन हो गया। और दूसरा होता है सेविंग्स। सेविंग्स मतलब जो हमने स्पेंड नहीं किया, कंजम्पशन मतलब हमने उसे स्पेंड कर दिया। तो सेविंग्स मतलब जो स्पेंड नहीं किया उसे हम सेविंग्स बोलेंगे। और स्पेंड क्यों नहीं किया, बिकॉज हमें पता है दैट फ्यूचर में हमें जब पैसों की जरूरत होगी तो ये सेविंग्स हमें काम में आएंगे, तो हम ये इकट्ठा करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। हम ये हमारे घर में भी देखते हैं ना बच्चों, पेरेंट्स क्या करते हैं, सारा के सारा जो इनकम है वो स्पेंड नहीं करते, राइट। कुछ ना कुछ साइड में निकाल के रखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है, यू सेट असाइड टू सेटिस्फाई फ्यूचर वॉन्ट्स, मतलब फ्यूचर की कोई जरूरतें होगी, फ्यूचर में कोई बड़ा खर्चा होगा तो उस खर्चे के लिए आप अभी से कुछ पैसा साइड में रखते हो, उसे आप बोलोगे सेविंग्स। हाउ आर यू सेटिंग दैट असाइड, बाय फोरगोइंग करंट कंजम्पशन। मतलब अभी पैसा खर्च नहीं किया तो आपने वो फोरगो किया ना, आपने अभी खर्चा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको कुछ मेजर वॉन्ट सेटिस्फाई करना है, कुछ मेजर खर्चा फ्यूचर में करना है, जिसके लिए आप अभी पैसा साइड में रख रहे हो। उस जो साइड में आप रखते हो उसे आप बोलते हो सेविंग्स, ओके। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स टू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एग्जाम्पल मशीनरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अब ये जो हमने सेविंग्स किए हैं, दिस मनी दैट वी हैव सेट असाइड, हम क्या करते हैं, इस मनी को हम इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पे, कहीं के किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, कभी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ये इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग सम एसेट्स फॉर अस, ताकि फ्यूचर में हमें वो यूज आ सके, राइट। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेविंग। जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां से आता है, वो सेविंग से आता है। जो पैसे आपने असाइड रखे थे उन्हीं को आप इन्वेस्ट करते हो। तो देखिए, लेट अस रीड, इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। जो सेविंग्स थे उन्हें आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपने कैपिटल क्रिएट किया, ओके। एग्जाम्पल मशीनरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट, ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स मतलब जो उतार चढ़ाव हम बिजनेस में देखते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस, दे आर अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अप्स एंड डाउन्स मीन्स फ्लक्चुएशंस कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली। तो कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बच्चों, वहां पे ट्रेड साइकिल्स होते हैं। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द बिजनेस साइकिल्स। जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो हम उसे बोलते हैं ये हमारे ट्रेड साइकिल्स हैं, ओके। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ओके। जब बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ये इन्फ्लेशन हो रहा है, ओके। एंड डिप्रेशन इज कंटिन्यूअस फॉल इन ओवरऑल प्राइसेस and lowering down of economic activity in general। बहुत ज्यादा जब prices गिरते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ depression आ गया है, okay? ये जो inflation और depression है बच्चों, ये आता ही रहता है, ये trade cycle का part है, okay? तो inflation क्या है, जहाँ prices बहुत बढ़ते हैं, और depression मतलब जहाँ पे prices बहुत कम हो जाते हैं, हमारे economic activity भी बहुत slow down हो जाती है, ठीक है? Now let us move to the next term, जिसे हम बोलेंगे economic growth। What do you mean by economic growth? The term economic growth has a quantitative dimension, मतलब हम quantify कर सकते हैं economic growth को। In simple words, economic growth means an increase in the real national income of the country over a long period of time। मतलब किसी भी country में economic growth हो रहा है, ये हम कैसे बोलेंगे? जो हमारा national income है, year on year on year, ओके। अभी हमारा फॉर एग्जाम्पल 2003 और 4 है, तो 2002 और 3, 2001 एंड 2, 2000 एंड 1, तो जो ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीज हो रहा है, तो
तो हम बोलेंगे कि बाबा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, अगर हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, और नेशनल इनकम तो हम मेजर करते हैं राइट, इसलिए यहाँ पे बोला गया है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दैट इज अ क्वांटिटेटिव थिंग, ओके हम इसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट हैज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन। ईयर ऑन ईयर अगर इंक्रीज हो रहा है हमारा नेशनल इनकम तो हम बोलेंगे हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ओके अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, हमें ऐसे लग रहा था दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर वन एंड द सेम, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। लेट अस रीड, दिस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, इट हैज अ क्वालिटेटिव डायमेंशन, मतलब सिर्फ क्वांटिटी से हमें लेना देना नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है अगर तो हम बोलेंगे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अगर क्वालिटी भी चेंज हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर वो भी अच्छी हो रही है तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब एजुकेशन के फैसिलिटीज अच्छे हैं, हेल्थ के फैसिलिटीज अच्छे हैं, सेफ्टी है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़िया है लोगों का, तो पहले से कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो अगर ये सब चीजों में ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के उसमें अगर बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें अगर ग्रोथ है तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक डिवेलपमेंट हुआ है, ओके लेट अस रीड, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स विच डिटरमिन वेल बीइंग ऑफ द पीपल, एग्जाम्पल एडुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, मतलब जो वेल बीइंग होता है लोगों का जब वो भी अच्छा हो रहा है तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक डिवेलपमेंट है, गेटिंग इट, तो डिवेलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डिवेलपमेंट, ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करता है लेकिन जो क्वालिटी है वो इकोनॉमिक डिवेलपमेंट से हमें पता चलती है। बच्चों इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर वन यहाँ पे खत्म होता है, आई होप ये सब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं लेक्चर्स, अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं हमेशा की तरह डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और जाते जाते आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों आई होप यू आर गोइंग थ्रू द लेक्चर्स ऑफ अकाउंटेंसी एज वेल, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स का सारा पोर्शन यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, सारा लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल, मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बच्चों, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू फाइंड आउट द लेक्चर्स, आई होप यू आर गोइंग थ्रू द लेक्चर्स, अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट, योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।